बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वी आर डूइंग चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स द नेम ऑफ द चैप्टर क्लास 7 मैथ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इंग्लिश में सिलेबस है। पेज 91 पे हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ, हमने प्रॉपर्टी टैक्स जो फाइंड करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी की वर्थ दी हुई है, वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी इज 650000, ये वर्थ है, ठीक है। और रेट दिया हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स का रेट, द रेट ऑफ 1.8%। अच्छा, इसमें दो पार्ट्स हैं। अगेन पहली चीज़ यह कि इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसको कैसे लेके चलना है। दूसरा पार्ट क्या होगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो फिर जो कैलकुलेशन है उनको आपने सीखना के कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसकी वर्थ दी हुई है, इतनी वर्थ है और ये उस पर रेट अप्लाई करना है। तो प्रॉपर्टी टैक्स क्या होगा, रुपीज़ में क्या होगा कि 1.8% ऑफ दिस अमाउंट, इस अमाउंट का हमने 1.8% लेना है, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और पहले भी बताया कि 1.8 को हम क्या कर सकते हैं कि इसको कैंसिल करके नीचे 1 लगा दें, ये 1 डिजिट है राइट साइड पे 0 लगा दें, 18/10 हो जाएगा, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो हम 18/10% जो है इसको कर देंगे 18/10 और 1/100 जो ना इधर नीचे 100 आ जाएगा। तो इस पर हम क्या करेंगे कि इसको कैंसिल करके ये 10 हो गया, 18/10 परसेंट की जगह पे 1/100 ऐसे आ गया, आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है और ये 650 ऐसे पैसे देगा। आपने सिंप्लीफाई करना है, 2 0 इससे जाएंगे और 1 0 इससे जाएगा, 650 को मल्टीप्लाई करना है 18 से, 650 मल्टीप्लाई बाई 18, 8 0 0, 8 5 40, 8 6 48, 52, 0 5 6, इट बिकम 0 0 7, 1 1 7 0 0, 1 1 7 0 0 रुपीज़ ये जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे करना था। तो अगेन इसको रिकैप करते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो फाइंड करना है कि कितने पैसे हमने कितनी अमाउंट पे करनी है, प्रॉपर्टी की वर्थ दी हुई है, परसेंटेज दी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि प्रॉपर्टी टैक्स जो हमने फाइंड करना है 1.8% ऑफ 650000, ठीक है। इसको आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया कैलकुलेशंस को, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं लगाना, मेमोराइज नहीं करना, इसको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके का कॉन्सेप्ट बनता है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और कैलकुलेशन सीखनी है, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू सिंप्लीफाई।